हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हिमाचल प्रदेश द्वारा एक वैकेंसी पोजीशंस निकाली गई हैं, जो कि जेबीटी हेड टीचर और सेंटर हेड टीचर्स के वैकेंसीज़ के बारे में है, जो कि टिल फेब 2020 तक की जो पोस्टें खाली हैं उनके बारे में है। और इसमें लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स का जो मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स दे रखी हैं। तो अगर मैं बिलासपुर की बात करता हूँ तो इसमें सेंक्शन पोस्ट जो हैं वो 1036 हैं, फिल्ड अप हो चुकी हैं 800 811। जेबीटी की बात कर रहा हूँ पहले, और 225 पोस्टें जो हैं वो खाली हैं। उसी तरह से अगर आप एसटी और सीएसटी और वीईओ की बात करते हैं तो ये प्रमोशन के थ्रू भरी जाती हैं, बट मैं बात करूँगा सिर्फ जेबीटी पोस्ट की, जो रिक्रूटमेंट और बैच वाइज के थ्रू भरी जाएंगी। तो उसमें अगर चंबा की बात करते हैं तो इसमें टोटल सेंक्शन पोस्ट है 2331 हैं, जिसमें से 1913 पोस्टें जो भरी जा चुकी हैं, 418 पोस्टें अभी खाली हैं। हमीरपुर की बात करते हैं तो 779 पोस्टें सेंक्शन हैं, 580 भरी जा चुकी हैं, 199 खाली हैं। कांगड़ा में 2670 पोस्टें हैं, 2030 भरी जा चुकी हैं, 647 पोस्टें अभी खाली हैं। किन्नौर में 297 पोस्टें हैं, 285 भरी जा चुकी हैं, 12 पोस्टें खाली चल रही हैं। कुल्लू की बात करते हैं तो 1466 पोस्टें हैं, 1367 भरी जा चुकी हैं, 99 पोस्टें खाली हैं। लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो 329 पोस्टें हैं, 308 भरी जा चुकी हैं, 21 पोस्टें खाली चल रही हैं। मंडी की बात करते हैं तो 3094 पोस्टें टोटल सेंक्शन है, 2570 भरी जा चुकी हैं, 524 खाली हैं। शिमला की बात करते हैं तो 2924 पोस्टें सेंक्शन है, 2598 भरी जा चुकी हैं, और इसमें 326 जो हैं वो खाली हैं। सिरमौर की बात करते हैं तो जो 2088 पोस्टें हैं, 1759 भरी जा चुकी हैं, 329 खाली हैं। सोलन की बात करते हैं तो 1599 पोस्टें हैं, 309 भरी जा चुकी हैं, 290 खाली हैं। और ऊना की बात करते हैं तो 1000 पोस्ट जो है सेक्शन है, 789 भरी जा चुकी हैं और 211 खाली हैं। तो टोटल बातें अगर हम बात करें इन पोस्टों की, तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 3301 पोस्टें जो हैं वो जेबीटी की खाली चल रही हैं, और बाकी पोस्टों के बारे में मैं इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि ये प्रमोशन से भरी जाएंगी। तो ऑब्वियसली है, फिर भी इन प्रमोशन को भरने के बाद भी पीछे की पोस्टें खाली होगी। जैसे ही जेबीटी हेड टीचर बनेंगे तो जेबीटी की पोस्टें खाली हो जाएंगी। तो अप्रॉक्सीमेटली आप इतनी सारी पोस्टें और लगा लो कि विद इन 1 या 2 ईयर के अंदर ये भी खाली हो जाएंगी। तो इतनी सारी पोस्टें जो खाली चल रही हैं, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आता है कि अगर बीएड वालों को भी एलिजिबल कर दिया जाता है इस पर, तो ऑब्वियसली है जो इतनी सारी पोस्टें आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर ही इसका रिक्रूटमेंट हो सकता है। तो ये था टोटल वीडियो, जो कि वैकेंसी पोजिशन के बारे में था, जेबीटी हेड टीचर और सेंटर हेड टीचर्स जो कि प्राइमरी स्कूल्स में होते हैं। थैंक यू।